कुछ काम इस जीवन को सफल करने के लिए हम ऐसा कर दें कि सब कुछ अच्छा हो जाए। आदमी अच्छा है, उसका निवास अच्छा हो जाए, इसके लिए ज्ञान अच्छा होना चाहिए। और जो कुछ एक प्रयास हम लोगों ने किया, मुझे लगा कि नरेंद्र जी, सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूं इस बारे में कि आज वास्तु की चेतना पूरे देश में, हर राज्य में। मेरे पास कभी पंजाब से फोन नहीं आते थे, मेरे पास कभी कश्मीर से फोन नहीं आते थे, आसाम से फोन नहीं आते थे, पर आप लोगों ने, मेरा तो केवल एक ही काम रहा कि जो ग्रंथ थे उनको सबको सामने ले आए। एक जीवन कम पड़ता है, लेकिन इस एक जीवन को भी महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए, या बल्कि अपन ये ऋण उतारने के लिए, ऋषियों ने, उमरिकर जी आपको याद होगा कि हम लोग श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में थे, और जब उनके हाथ में एक एक करके वास्तु के ग्रंथ रखते जा रहे थे, उन्होंने कहा कि 3 घंटे हम साथ में थे, वास्तु पर इतनी सारी किताबें हैं, तो मैंने कहा था कि जिस देश में 100 वास्तु ग्रंथ कम से कम मेरी नजर में हो, तो ये सब्जेक्ट कभी कमजोर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। तो आप देखिए, उस समय तक मुझे लगा था कि भारत के पास 100 वास्तु ग्रंथ होने चाहिए, और अब मैं 100 के पार हो गया हूं, तो भी मुझे लग रहा है कि वास्तु के ग्रंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। मित्रों को एक सूचना देना चाहता हूं कि जो लगभग शिवाजी कालीन वास्तु है, उसकी एक मैन्युस्क्रिप्ट मुझे आदरणीय मगीरवार साहब ने दी थी उमरिकर जी के सामने ही, और वो ये ग्रंथ। सुखानंद वास्तु, सर आपका वीडियो नहीं, सुखानंद वास्तु, और ये भी काफी मेहनत के बाद। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जैसा मैं अभी देख रहा था श्रुति को या उदय जी को या और भी कई स्टूडेंट या जो व्याख्याता हो गए हैं, मैं दिल्ली के उन सब वास्तु पढ़ाने वालों को भी जानता हूं, बनारस वालों को भी जानता हूं, मैं आनंद वल्लभ विद्यानगर की हेमू को भी जानता, या आगे भी प्रदीप जाव, कई मित्र हैं जो आए घर, और मुझे लगा कि वास्तु एक ऐसा विषय विकसित हो जाएगा। उमरिकर जी आपका धन्यवाद, इसलिए कि इस विषय को आपने डेवलप करने के लिए अपना करियर का एक पथ चुना, एक पाथे चुना, आपने और कुछ नहीं दिया, ये चाहा कि साहब इस विद्या को हम लोग आगे बढ़ाएं। मेरा भी एक मन था कि वास्तु पर जितने ग्रंथ हैं, मैं इस देश का, इस महर्षि प्रज्ञा का आभार मानता हूं कि जिन्होंने किसी भी तरकीब से इन ग्रंथों को बचा के रखा, इन ग्रंथों को छुपा कर रखा। कई बार मुझे वो शिल्पी लोग ऐसा ही कह देते हैं कि आपने हमारी शिल्पियों की विद्या सबके सामने कर दी, सार्वजनिक कर दी, ऐसा क्यों कर दिया आपने, इससे ये तो हमारी रोजी रोटी का मामला था। लेकिन आप देखिए कि इन ग्रंथों के सामने आने से देश में प्रत्येक वर्ग, हर समुदाय, हर समाज, हर हिस्से और कोई भी व्यक्ति आज वास्तु का अधिकारी हो सकता है। ये एक ऐसा विषय जो केवल और केवल शासक वर्गों के पास था। यदि किसी को किला बनाना है, यदि किसी को नगर बसाना है, यदि किसी को तालाब बनाना है, यदि किसी को महल बनाना है, यदि किसी को देवालय बनाना है, तो वो विश्वकर्मा के अवतार कहे जाने वाले सूत्रधार के पास पहुंचता या पहुंचते, और वो जो भी कुछ तय करता
अर्थ, मन, संकल्प, ये सारी चीजें देख के वो तय करता था कि ये व्यक्ति निर्माता होने के योग्य है या नहीं, और फिर वो वास्तु के नियम अपनी ओर से लागू करता या उसको सिखाता या मुहूर्त शुरू करता। ये एक विद्या जो सबसे सुप्रीम मानी गई कि यहाँ जो आदमी खर्च करेगा, किसी के पास पैसा नहीं है और यह थोड़ा सा पैसा है तो वो किसी गुल्लक में बंद करके जमीन में गाड़ देता, लेकिन उस जमीन पर घर उगाने का काम जो सूत्रधार करता था वो एक अद्भुत काम, एक अद्भुत शास्त्र के रूप में हमारे सामने आया और हमने उसको नाम दिया वास्तु, वास्तुशास्त्र, जैसा आप सब लोग जानते हैं। और लगभग मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि वास्तु के बारे में एक चेतना हर वर्ग के पास है। मैं कुछ बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि वास्तु का जो शास्त्र है वो इसलिए पढ़ाया जाए कि उसके नियम हम लोगों के पास हमारे स्मृतियों में इसलिए विकसित हो जाएं कि हम लोग वो चेतना रखें कि वास्तु के सारे नियम शारीरिक, मानसिक और देहिक जो विडंबनाएं हैं उनको दूर करने में सहायक हों और लाभदायी सिद्ध हों, खासतौर से अर्थ, स्वास्थ्य, समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी जो हमारे पास कहां से आ सकती है। हम लोगों ने वास्तु की एक शुरुआत जो की तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा विषय है जिसके पास या जिसकी विरासत में, उसकी हेरिटेज में मुझे लग रहा है कि ये जिसको हम विरासत कहते हैं उसके पास सदियों से विकसित हुआ या प्रिजर्व, संरक्षित, बचत वाला ज्ञान है। दिशाएं, द्वार, दिक्पाल और उनकी खुशी के लिए आदमी के द्वारा दिया हुआ दान या सुकत, इसके क्या नियम हो सकते हैं। इन नियमों को जब जब भी और जिस जिसने लिखा वो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी लिखा, अलग से किताब, और जो अपनी कोई किताब लिख रहे हैं तो उसमें भी लिख दिया। एक उदाहरण है हमारे सामने, वराहमिहिर। वराहमिहिर ने वास्तु को, वास्तु एक विषय को, एक सब्जेक्ट को, अपनी जो बृहत संहिता थी यानी संहिता के सब विषयों में एक विषय को वास्तु के रूप में चिन्हित करके उसके जितने नियम हैं वो सारे नियम उन्होंने संक्षिप्त रूप से, बहुत ही संक्षिप्त करके, और हम सब मित्रों को याद होना चाहिए कि वराहा ने जो 110 या थोड़े आगे पीछे श्लोक मिलते हैं उन श्लोकों में वास्तु का वो ज्ञान भर दिया जिस ज्ञान को बाद में राजा भोज ने 8000 श्लोकों में लिखा। भुवन देवाचार्य ने उसी ज्ञान को 7300 और कुछ लगभग श्लोकों में लिखा, या मान ऋषि ने अपने मानसार में लगभग 7000 श्लोकों में लिखा, या मैं ने उसको 3000 से ऊपर कुछ श्लोकों में लिखा, या विश्वकर्मा जो प्रकाश है जिसका वास्तविक नाम है विश्वकर्म संहिता, उसमें बहुत संक्षेप में लिखा है, हालांकि वो वास्तु के मुहूर्त का ग्रंथ है, वास्तु के मुहूर्त का ग्रंथ है, वास्तु के लिए उपयोगी लकड़ियों के चयन का ग्रंथ है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि उसमें लकड़ी का इतना वर्णन क्यों है। आज से 100 साल पहले अधिकांश घर लकड़ी के होते थे, सीमेंट और चूने, ये जो चूने का जो उपयोग था, सुधा जिसको कहा है, वो बहुत श्रेष्ठी लोग, पैसे वाले या बहुत उच्च वर्ग वाले काम में ले सकते थे, अपने लिए तो कच्चे घर ही थे। तो वहां लकड़ी की काम आ जाता, बल्ली लगाना, शोभावटी लगाना, द्वार लगाना, किवाड़ लगाना, और चाहिए क्या, घर बन गया, बाकी दीवारें लकड़ी की या ईंटों से बना देते, थाप देते, पात देते। तो ये जो नियम हम लोगों ने दिए
तो मुझे लगा कि वास्तु के जो वास्तविक नियम जो विश्वकर्मा ने तय किए वो किस तरह से पुराणों ने लोकप्रिय किए, किस तरह से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में लोकप्रिय हुए। एक ग्रंथ जिसमें वास्तु विद्या को बहुत विशद रूप में स्थापित किया गया, उसका नाम मत्स्य पुराण। लगभग इसी काल में ग्रंथ तैयार हुआ, संपादित हुआ, और पुराणों को विश्वकोश के रूप में स्थापित करने के जो प्रयास भारतीय प्रज्ञा ने किए उनमें एक महत्वपूर्ण पुराण है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। उसमें वास्तु से जुड़े हुए लगभग सारे ही विषय अलग अलग अध्यायों या अलग अलग खंड में विषय विभाजन के रूप में प्रयोग किया गया। उसमें घर की विद्या है तो उसमें देवालय की विद्या भी है। आप देखिए यहां हमारे पास पुराणों का जो एक शेप है, यही विद्याएं बाद में नारद पुराण ने ली, यही कुछ पोर्शन हम लोगों ने देखा वन्ही पुराण यानी आग्नेय पुराण ने लिया, यही कुछ और अग्नि पुराण ने लिया, और भी छोटे छोटे से बातें प्रयोग हम लोगों ने कुछ पुराणों में और भी आगे देखी है। सांब पुराण में भी मिल जाती है अपने को, या देवी पुराण में मिल जाती। देवी पुराण तो बहुत महत्वपूर्ण है। देवी पुराण में अगस्त और मनु का जो शास्त्र है उसके फ्रेगमेंट पार्ट हमें देवी पुराण में मिलते हैं। मुझे ये जान के आश्चर्य होता है कि इतनी सारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं, यदि वो बहुत सामान्य होती, मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा कि वास्तु का विषय यदि सामान्य होता तो इस पर इतने सारे ग्रंथ नहीं लिखे जाते। मुझे यह भी आश्चर्य होता है कि उत्तर के पुराण और दक्षिण के आगम, पूर्व के जो शिल्प शास्त्र हैं वो, और पश्चिम के जो प्रच्छा ग्रंथ हैं, प्रच्छा, जय प्रच्छा, विजय प्रच्छा, सांब प्रच्छा, अपराजित प्रच्छा, है ना, ये जो प्रच्छा और उधर के जो शिल्प प्रकाश, शिल्प रत्न कोश, ये जो ग्रंथ पूर्व पश्चिम और ऊपर से पुराण या संहिता, उत्तर से संहिता और दक्षिण से जो आगम है, सभी में वास्तु एक गहन रूप से प्रतिपादित है। मित्रों का ध्यान और मित्रों का इस बात के लिए आह्वान भी, माधवी महाड़े है भी, मैंने उनसे आग्रह किया कि दक्षिण में जो कामिकागम है उसका हिंदी किया जाए। कामिकागम बहुत बड़ा ग्रंथ और वह शिव पुराण का मुख्य स्रोत रहा। उसमें वास्तु के खास तौर से देवालय का जो भाग है उसका सबसे अधिक वर्णन, और हम लोगों को ये जान के आश्चर्य होगा कि कामिकागम ने जो एक शुरुआत की है वास्तु विषय के चयन की और विस्तार देने की, मैं उसका अनुयायी है, मान उसका अनुयायी है, और पुराण उस ज्ञान के अनुयायी है। यही नहीं, उसके बाद जितने आगम है, दीप्तागम हुआ, चाहे रोरवागम हुआ, चाहे अजितागम हुआ, और भी कई सारे ग्रंथ जिनकी एक बहुत लंबी सूची है, और ये सारी सूची हम लोगों को लक्षण सार समुच्चय में मिल जाती है। इतने आगम हमारे पास, उन सब आगमों में एक ही विषय विस्तृत रूप से मिलता है, वास्तु। तो मैंने माधवी जी से और उमरिकर जी से भी अनुरोध किया कि एक बार बैठ के इस ग्रंथ का यदि हम अनुवाद कर देंगे तो मैं काम करूंगा, लेकिन मुझे जितनी एक, मैं भी क्या क्या करूंगा, कितना काम करूंगा, 100 किताब हो गई। कोई तो आगे आए कहे साहब हम आपके साथ हैं, हम भी ये काम करना चाहते हैं। मैं अकेला नहीं करना चाहता हूँ, अकेला छुपा के भी नहीं खाना चाहता हूँ, और अपने पास कुछ बचा के भी नहीं रखना चाहता हूँ। तो इन्होंने ये बीड़ा उठाया और आप देखिए कामिकागम का एक काम शुरू हुआ। आने वाले कुछ समय में यदि हम कामिकागम दे पाए तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के आगमों का अनुवाद बहुत आसान हो जाएगा, और मुझे जहां तक विश्वास है लगभग 40 ग्रंथ और हम आगमों के भारत को वास्तुशास्त्र की स्थापना के रूप में एक पीठिका की तरह से दे सकेंगे।
इस क्रम में एक बात और मुझे याद आती है, वो महत्वपूर्ण बात इसलिए है, ये जो कामिका गम है या अजिता गम है या दीप्ता गम है, ये शैवागम है। शैवागम जिनमें शिव की आराधना है, आप देखिए ऐसी ही एक श्रृंखला पूरी की पूरी वैष्णव आगमों की है। तो वैष्णव आगम जो हमारे पास, आप देखिए संकर्षण संहिता, नारदीय संहिता, ये ज्योतिष की नारद संहिता से अलग है, और साउथ में आप कितने चले जाइए, संकर्षण संहिता, नारद संहिता या प्रद्युम्न संहिता, कितनी सारी एक लंबी श्रृंखला हमारे पास वैष्णव आगमों की हो जाती है। सब में वही विषय है। जब एक ही विषय को लिखना था तो फिर छंद क्यों बदले गए। एक आगम हमारे पास जो हाय शीर्ष पंचरात्रम है, ये पंचरात्र के ग्रंथ हैं। पंचरात्र जिन्होंने आगमों की स्थापना के लिए सबसे अधिक प्रयास किया और शैवों के समानांतर पंचरात्र आगम चले, उसमें हाय शीर्ष पंचरात्रम कभी कोई नहीं जानता इन बातों को, उसमें वास्तु का विषय ही है। और जब गोपाल भट्ट ने 15वीं-16वीं शताब्दी में अपने ग्रंथ का संपादन किया तो उसमें हय शीर्ष पंचरात्रम के श्लोकों को सबसे अधिक कोट किया। मेरा ज्ञान मित्रों उस तरह का है, मैं वास्तु आपको, मुझे लगता है कि मैं वास्तु आपको उस तरह से नहीं पढ़ा पाऊं, लेकिन ये ग्रंथ यदि आपको दे दिया तो ये वास्तु आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी हो जाएगा। मेरा आह्वान है सब मित्रों से, यदि हम ये आगम तैयार कर सके, यदि हम 100 ग्रंथ तो हमने बिना आगमों के भी तैयार कर लिए, नियम वही है सब में, किसी ने एक ग्रंथ पढ़ लिया, आज मैं मतन किसी ने पढ़ ली तो मुझे लगता है वो आगमों का अर्थ आसानी से समझ जाएगा। मेरा एक आग्रह और रहता है सबसे कि आप संस्कृत का प्रयोग करिएगा, संस्कृत से आप डरिए नहीं, संस्कृत सबसे सरल भाषा है, बस आप इसमें व्याकरण वाला प्रयोग मत करिए, वो व्याकरण यदि आप देखेंगे किताब तो उलझ जाएंगे। मैं व्याकरण नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मुझे लगता है ये जो तकनीकी ग्रंथ हैं, हम लोगों ने एक चीज समझ में आई थी मेरे, वो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जब पाणिनी पढ़े हुए नहीं थे तो व्याकरणाचार्य कैसे हो गए, व्याकरण कैसे हो गए, वो ऐसे ही हो गए जैसे हम लोगों ने सीधा ही अर्थ करना शुरू किया तो हमारे समझ में आ गया कि इनमें तालमान होंगे, इन मेजरमेंट होंगे और अंगों के नाम होंगे, दिशाएं होगी, इसके अलावा क्या होगा। बहुत आसान हो गया था अर्थ करना। तो आप संस्कृत से भागे नहीं, संस्कृत को अपनाएं। मैंने आपको आगमों की सीरीज बताई, मैंने आपको पुराणों की सीरीज बताई, अब आप देखिए जो प्रच्छा की सीरीज है, प्रच्छा समरांगण सूत्रधार जहां से शुरुआत होती है, तो वो संवाद शैली में लिखा हुआ है और दोनों में जय और विश्वकर्मा संवाद है। इस बात को कभी चिन्हित नहीं किया, अर्थ ही नहीं हुआ। इस ग्रंथ को छोटा मोटा तब देखने का प्रयास हुआ, मैं महाराज सयाजी गायकवाड़ बड़ौदा का या उनकी दूरदर्शिता का, उस पूरे उनके पास जो विद्वान लोग थे उनका आभार मानता हूं जिन्होंने इस ग्रंथ कि मिथी सब ग्रंथों की पांडुलिपियां उन्होंने इकट्ठी करवा के अपने जमाने के सबसे शानदार, ईमानदार और विद्वान संपादक तुर्वागम गणपति शास्त्री को भेजा और उन्होंने उसका संपादन किया और ग्रंथ आया हमारे पास सम्रांगण सूत्रधार, जिसका अर्थ और समग्र रूप से संपादन, उसमें बहुत सारे श्लोक खंडित थे, बहुत सारे श्लोकों का पता नहीं था, उनका उद्गम का पता नहीं था, उनके कहां से कहां तक कौन सा विषय है इसका पता नहीं था। ये काम 2010 में हम लोगों के हाथों से हुआ, मैं, भंवरलाल जी शर्मा और हमारी बिटिया छोटी अनुकृति, ये जब काम करिया तो मुझे लगा कि सम्रांगण वो ग्रंथ है जिसमें इस देश के सबसे ज्यादा ग्रंथों का उपयोग हुआ। मैं गौरवान्वित हूं इस बात को लेकर उमरिकर जी और सभी मित्र कि सम
सम्रांगण के संपादन में जितने ग्रंथ काम उस समय भोज ने लिए थे, राजा भोज ने 1015 से लेकर 1055 तक उनका जीवन काल और शासन काल रहा है, तो उन्होंने जितने ग्रंथ उपयोग में लिए लगभग वो सब ग्रंथ हमारे पास थे, और इसी कारण से इस ग्रंथ का संपादन करते हुए श्लोकों को जो खंडित भाग थे उनको भी संपादित, रिबिल्ट, रिकंस्ट्रक्ट, पुनर स्थापित करने का जो काम किया, और इसी कारण से उसका अर्थ हो पाया। बाकी इसका अर्थ सबसे कठिन था, यदि आसान होता तो 100 साल में कभी का हो सकता था। ये प्रकाशन के बीच में एक काम इसका कुछ अपने अध्ययन के लिए उन्होंने द्विजेंद्रनाथ जी शुक्ला ने किया था, लेकिन वो अर्थ से ज्यादा उनका अपना अध्ययन था। हम लोगों ने केवल इसके अर्थ पर काम किया, और मित्रों को एक ध्यान होना चाहिए, सम्रांगण का जो टेक्स्ट हमने देश को सौंपा, हमारे सब वास्तु प्रेमियों को सौंपा या विदेशियों को भी सौंपा, उस ग्रंथ में जितने मूल श्लोक हैं उससे ज्यादा हमारे फुटनोट हैं। ये सबसे बड़ी बात थी, इन फुटनोटों के सहारे हम लोग पाठांतर ढूंढ सकेंगे, उन विषयों का जो मूल स्रोत है वो ढूंढ सकेंगे। आप देखिए इसमें जय और विजय, सिद्धार्थ और अपराजित, चार विश्वकर्मा के पुत्रों का नाम सबसे पहले आता है। ये बात मेरे ध्यान में इसलिए आई कि मैं जय प्रच्छा को देख चुका था। जय प्रच्छा ही वो ग्रंथ है जिसके आधार पर सम्रांगण सूत्रधार की नींव रखी गई। सम्रांगण तो युद्ध का ग्रंथ होना चाहिए, समर का आंगन, सम्रांगण, युद्ध भूमि, रणभूमि, ये अर्थ होते हैं। फिर उसमें सूत्रधार कैसे दिया गया, यह जय प्रच्छा है, यह जय प्रच्छा है। और जय और विश्वकर्मा संवाद के रूप में इसमें 84 अध्याय कभी रहे होंगे, वर्तमान में इसमें 83 अध्याय है, 83 चैप्टर, और जो 83 जो 83वां आखिरी अध्याय था वो भी खंडित था, वो हमने पूरा किया। और एक तरह से ये ग्रंथ हम लोगों की एक जिसको सबसे अधिक मूल्यवान, वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा ही इस ग्रंथ की है, सम्रांगण, जिसमें विमान विद्या, लोग चकित इसीलिए हैं कि इसमें विमान उड़ने की विद्या या मशीनों की परिभाषा, वैज्ञानिक दृष्टि से 5 तत्व जो हैं हमारे पास, एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश, ये जो 5 तत्व, भूमि, रापो, नलो, वायु, गीता भी जिनके लिए कहती है, या क्षितिजल, पावक, गगन, ये जो भी हम लोगों को याद है, इनके मूल तत्व क्या होते हैं, मित्रों का ध्यान चाहूंगा, मूल तत्व क्या होते हैं, उनका मशीन के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है, पहली बार सम्रांगण सूत्रधार में हमारे पास होता है। आप देखिए ये जय प्रच्छा थी, इसके बाद अपराजित प्रच्छा थी, वो भी सम्रांगण का एक तरह से छोटा भाई, सम्रांगण का ही पार्ट लेके, सम्रांगण के में बैठ के अपराजित प्रच्छा तैयार हुई। और आप देखिए इन ग्रंथों में जो चारों प्रच्छाएं हैं, मैं महाराष्ट्र के सब बंधुओं का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हेमाद्री जो हुए हैं, हेमाडपंथी, कितना आसान हो गया, वहां किसी मंदिर का नाम हमने हेमाडपंथी कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। हेमाद्री ने उन सब ग्रंथों का उल्लेख किया, अनुमित हैं उमरिकर जी कि जो ग्रंथ हेमाद्री ने तैयार किया, हम उसको अकेले आदमी उस ग्रंथ को उठा नहीं सकता है, इतना वजन है। 1260 ईस्वी में जो उन्होंने इतना ग्रंथ तैयार किया, आज तक सम्रांग ये हेमाद्री का जो ग्रंथ है चतुर्वर्ग चिंतामणि, उसका अर्थ ही नहीं हुआ, कौन करे, लेकर हम जितना जो कुछ बोलना चाहते थे वो बहुत सारा हमारे पास सामने आ जाता, उसका अर्थ नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ रहा हूं, हेमाद्री सबसे पहले अपराजित प्रच्छा ग्रंथ को उद्धृत करते हैं, यानी 1260 ईस्वी से पहले अपराजित प्रच्छा ग्रंथ तैयार हो गया था, क्योंकि 1015 में सम्रांगण तैयार हुआ, उसके बाद
अब राजेंद्र प्रच्छा तैयार हुआ। आप देखिए दक्षिण में विजय प्रच्छा तैयार है ग्रंथ, जिसमें रथ निर्माण की विधियां हैं, और वो विधियां हमारे पास महाराष्ट्र के ही विद्वान रघु कुलकर्णी, रघुनाथ पुरुषोत्तम कुलकर्णी ने उपलब्ध करवाई। आप देखिए ये हमारे पास तीन ग्रंथों की विरासत, और चौथा जो सिद्धार्थ प्रच्छा है उसके सैकड़ों श्लोक चतुर्वर्ग चिंतामणि में उपलब्ध हैं। ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है हमारे पास, लेकिन हेमाद्री ने जो संकल्प किया कि ये श्लोक, ये ग्रंथ या ये मूल विषय बचने चाहिए, तो आप देखिए ये जो विश्वकर्मा के चार पुत्रों का जो कंसेप्ट है, चार ही दिशाओं वाला, चार वर्ग वाला, चार पुरुषार्थ वाला, ये हमारे पास भारत की दौलत है। और हमने इसको यही समझा, और मुझे लगा कि ये ग्रंथ हमने किसी भी प्रकार से यदि देश को दे दी, और मैं अपनी सबसे कम समझ के अनुसार, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा लेकिन संस्कृत में काम करना था, तो बड़ी बिटिया हमारी अनुभूति है उसको संस्कृत दिलाई, तू संस्कृत पढ़ पढ़ के आना और मेरी समस्याएं सुलझाना, और हम दोनों मिलके ये ग्रंथ करेंगे। आप देखिए ग्रंथों की सीरीज शुरू हुई, एक एक ग्रंथ, और बाद में जितने लोगों ने ग्रंथ तैयार किए, जिनमें राजवल्लभ, राजवल्लभ जो राजाओं का वल्लभ प्रिय, राजाओं को जो अच्छा लगे, राजवल्लभ तैयार हुआ, वास्तु मंडनम तैयार हुआ, वास्तु सार मंडनम तैयार हुआ, वास्तु मंजरी तैयार हुई, और एक एक विषय वास्तु का। अब मैं मित्रों का इस बात चाहूंगा कि आखिर ऐसे कौन से विषय हैं जो अध्ययन करते हैं, मैं इसमें चलता हूं। हमारे पास भारत में ज्योतिष के जितने ग्रंथ हैं उनमें भी वास्तु का एक चैप्टर मिलता है, मूर्त के जितने ग्रंथ हैं उनमें भी वास्तु का एक चैप्टर मिलता है, एक अध्याय, और कभी कभी दो भी मिलते हैं कि ग्रहारंभ और गृह प्रवेश, ये दो अध्याय भी मिल जाते हैं मूर्त चिंतामणि। सबसे ज्यादा प्रयास महाराष्ट्र के विद्वानों ने मूर्त के साथ वास्तु को जोड़ने का जो काम किया था, श्रीपति, श्रीपति की जो ग्रंथ ज्योतिष वास्तु ज्योतिष रत्न कला है, वहां से शुरुआत होती है, और इसी को जो राम देवज्ञ है, देवज्ञ के या नीलकंठ के, जिनमें टोडानंद वगैरह 1602 की रचना है, उस वास्तु का अध्ययन करते समय हम बात देखे हैं कि ये विषय किस तरह से स्थानीय एक जैसे नहीं है, हम साउथ की दिशा है तो देश का जो प्रसिद्ध है उनको ध्यान रखते हुए जो दक्षिण दिशा का है उसका ध्यान रखें, और एक ग्रंथ की पृष्ठभूमि हम हमेशा ध्यान में रखें, जो वास्तु के विषय हैं जिनमें से भूमि परीक्षा, हस्त लक्षण, पुरनिवेश, वास्तु के तीनों विभाग, नाड़ी आदि सिरादि के विकल्प, मर्म वेद और पुरुषांग और देव निघंट, ये जो कर्मकांड का भाग है इसको हम हमेशा ध्यान में रखें। इसके बाद हमारे पास आवास का नियोजन, लकड़ी और दूसरी सामग्री का संग्रह और उत्सव, जिनमें से राज निवेश, जन निवेश, वन प्रवेश, इंद्र ध्वज, यानी अपने घर पर हम कौन कोई ऐसी ध्वजा भी हमेशा रखें। फिर जो नगर आदि हैं, एक और अच्छी बात है कि हम कौन से नगर में निवेश करें कि वहां का नाम हमारे नाम से कितना मेल खाता है, ये जो कांकिनी गणना सबसे पहले नारायण देवज्ञ ने हमें दी। नारायण देवज्ञ महाराष्ट्र के टापर गांव के रहने वाले थे, और उनका ग्रंथ है मूर्त मारतंड, उसके मारतंड वल्लभ टीका भी आप देखिएगा, वहां से कांकिनी गणना जो मुझे लगा इसको अपन आगे कैसे बढ़े। एक इसमें महत्वपूर्ण भाग हमारा है वो है आय व्यय। आप जानते हैं आय के निर्णय कैसे करते हैं, और इसमें आठों प्रकार की सभाओं, फिर ग्रह का जो द्रव्य है, क्या हम घर बनाने में चूना काम में लेंगे, लकड़ी काम में लेंगे, या सीमेंट काम में लेंगे, या फिर जो जोड़ने के दूसरे देशी उपाय थे, कभी आपने वज्रलेप नाम सुना हो,
वराह मीर ने वज्र लेप बनाने की विधियां लिखी, ऐसा कौन सा लेप था, ऐसा कौन सा जो मेटल था कि आज तक दिल्ली का लौह स्तंभ जंग का शिकार नहीं, कभी उस पर जंग नहीं लगा, कभी उस पर कीट नहीं आए। ये जो कारण जो भारतीयों के पास थे, हम लोगों ने दूसरों को क्यों नहीं ट्रांसफर किए। आप देखिए इसके बाद जो वास्तु में यंत्र मिलते हैं, अनेक प्रकार के यंत्र, 31वां अध्याय पूरा सम्रांगण का तो पूरा ही इसी पे आ गया है। फिर गजशालाएं, अश्वशालाएं, और हमारे घर के लिए जो उपयोगी चीज हो और जो अनुपयोगी चीज हो उसको हम हमेशा ध्यान में रखें। इसको हमारे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, और किसको हमारे घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, ये भी विचार हमारे ग्रंथों में अच्छी प्रकार से दिया गया है। ये वास्तु मंडलम में तो बहुत अच्छे ढंग से कहा है। कई बार हम लोग चित्रों का उपयोग करते हैं, घर में कौन से चित्र बनाने चाहिए। आप देखिए सम्रांगण सूत्रधार में जो वर्णन था, या जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्रम था, घरों में कैसे चित्र बने, घरों के बाहर कैसे चित्र बने, मंदिरों में कैसे चित्र बने, एक एक चीज, घरों में पेड़ कौन से लगे। कई बार मुझे प्राची पूछती रहती है कि वास्तु के साथ वनों का रिश्ता, वास्तु के साथ वृक्षों का रिश्ता, तो मुझे लगता उनका शायद लेक्चर हुआ है या होने वाला है। मुझे लग रहा कि ये जो ज्ञान वास्तु में जगह जगह बिखरा हुआ है उसको हम लोग पढ़ते समय ध्यान में रखें। वास्तु में जो शिलान्यास है उसके जो क्रियात्मक अनुष्ठान है और जो चुनई का कार्य है, वो इतनी सारा बारीक और इतने सारे हमारे निगाह में हो, निगरानी में हो, कि वो हमारे लिए लाभदायक हो। और जो मंदिरों से लेकर घरों की विभिन्न प्रकार की कोटियां, श्रेणियां, क्लासिक टाइप्स या ऑर्डिनरी या क्लासिक, जो भी कुछ हमारे पास जितने नाम शास्त्रों में हमें मिलते हैं, गवादिशालाएं या अश्वादिशाला, जो भी कुछ अपने को मिलती रहती है, नाम बहुत सारे मत्स्य पुराण में आपको मिल जाएंगे वो, और जो हमारे घर में बनाने जैसे मंडप हैं, जगती है या पीठ हैं, उनका निर्माण, चाहे ये मंदिर हो चाहे हमारे घर की योजनाएं हैं। इसके बाद हमारे पास मान प्रमाण ध्यान में रखें। आदमी के घर की ऊंचाई यदि 11 फीट है नीचे से प्लिंथ से लेकर ऊपर तक, तो कौन से लाभ हो सकते हैं। 10.5 है तो कौन से लाभ हो सकते हैं। 9 है, 8 है, तो कौन से लाभ कम ज्यादा कुछ। ये जो वैज्ञानिक सोच है वो हमारे ऋषियों को पता था, इनसे हमें क्या लाभ होने वाला है और क्या हानि होने वाली है वो इनको जानते थे। और इन ग्रंथों को जो नियम जो कुछ दे दिया, जहां भी हम लोगों के पास ये मिला कि हमें इन ग्रंथों को पढ़ने से या इन नियमों को फॉलो करने से, मुझे एक और चीज बारे में कहनी है, जो खास तौर से नियम वराहमिहिर ने दिए थे उसी की सब लोगों ने कॉपी की है। घर के सामने क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, घर के सामने रास्ता कैसा, घर के सामने दूसरे का घर कैसा। हम लोग यदि हमारे पड़ोसी को देख के दुखी होते हो या हम उनको देख के सुखी होते हो, तो कौन सा घर, कौन से नियम हमारे पास, हमारे घर में रहने के लिए कैसा उत्साह होना चाहिए, कैसा उमंग, कैसी जो जिसको सुख की परिणीति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, या जो भी स्थितियां हैं उनको सुख में डालने के लिए हम लोग कैसा कुछ उपाय कर सकते हैं, वास्तु उन सब का निर्देश करता है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये, इन दिनों कई मित्रों के हमारे पास सवाल थे, देश और दुनिया मारी महामारी के दौर से गुजर रही है, उस वास्तु क्या कुछ कर सकता है। हम लोगों ने कुछ मित्रों को कहा है, ये जो गले का रोग है, गले का सीधा संबंध सुग्रीव से है, वहां द्वार खिड़की कुछ हो, आप इन दिनों उपयोग ना हो, उपयोग न करें। बाकी जो बाहर चारों दिशाओं में, छहों दिशाओं में, या जहां भी अपने को लग रहा है, जो अपने वास्तु विधान में जो पीली पिच्छा और दूसरे जम्र का, स्कंद मात्र का, ये जो बीमारियों के नाम है दरअसल, ये पूतना, ये बीमारियों के नाम है। पूतना मैंने चेचक होता है,
आप देखिए कृष्ण को भी चेचक निकला, आज नंद महोत्सव है, मुझे याद आते हैं कृष्ण बार बार, उनके बगैर तो कोई ग्रंथ पूर्ण ही नहीं होता है हमारे तो आराध्य भी। तो आप देखिए कि उनको भी चेचक निकला और हम वो कथा को हम मान के बैठे हैं, पूतना आई और दूध पिलाया और कृष्ण ने उसका वध कर दिया। उस काल में जो ब्रजभूमि है वहां पूतना के नियंत्रण का यानी चेचक के नियंत्रण का पहला प्रयास हुआ, जिसको बाद में हम लोगों ने भी टीका वैक्सीन डेवलप करके किस तरह से वो काम किया। तो आप देखिए वास्तु में ये सारे नियम के इन देवताओं को जो हानिकारक हैं इनको हमने बाहर बिठा दिया, इनकी पूजा या इन पर जो भी कुछ सरसों छाट के, ये कितना बड़ा आत्मविश्वास ये शास्त्र हमें देता है हमारे निवास को निरोग निरापद और सब दृष्टियों से लाभदायक बनाने के लिए। उमरिकर जी और कालिदास विश्वविद्यालय रामटेक, आप सबका आभार इसलिए मानता हूं कि मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं कुछ बात कहूं। मैं अपनी ही बात कह देता हूं लेकिन सबसे अपेक्षा करता हूं, सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। कितना कठिन था जब चीन की एक एक चीज हमारे पास आती जा रही थी और उमरिकर जी हमने संकल्प किया था कि चीन को हम लोग किसी मोर्चे पर इस रूप में नीचा दें कि वहां की चीजें हमारे यहाँ बंद हो, और धीरे धीरे कोशिश करके आज मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता है इस बात की कि आज हम अपने ही वास्तु पर इतना विश्वास करने लग गए हैं। मुझे कुलकर्णी याद आते हैं जलगांव के, कि वो रूस तक इस वास्तु को ले गए, उमरिकर जी मिश्र तक इसको ले गए, अमेरिका तक इसको ले गए, हम लोग अपनी पूरी टीम लेके अध्ययन करने के लिए कंबोडिया तक गए। और ये जो हम वास्तु के उद्धारक या वास्तु के प्रचारक हम दूत के रूप में काम कर रहे हैं, तब आप सब लोगों का एक सहयोग कि इस विद्या पर विश्वास हमें करना चाहिए। भारत जैसी कोई विद्या नहीं जननी, ये जो पंच जकार है जन्मभूमि, जन्मभूमि का ज्ञान, जन भाषा और जनार्दन, जनता जनार्दन, इससे बड़ा हमारे पास क्या होगा। तो हम लोग इस पर विश्वास करें और इस काम के लिए आगे आए। वास्तु जैसी कोई विद्या नहीं है, यदि बार बार गर्ग महर्षि इस बात को कहते हैं। हमें एक और ध्यान रखना चाहिए जो हमें भोज याद दिलाते हैं कि यदि हम इस विद्या का अच्छे से अभ्यास नहीं करते हैं तो हम इस धरती पर चलते फिरते पिशाच हैं। पिशाचों का काम खून पीने का होता है। हम लोग यदि कच्ची बिल्डिंग बनाते हैं, कच्चा घर बनाते हैं, तो कितनी जनहानि कभी भी छोटे से भूकंप से हो सकती है। लेकिन हम यदि इस विद्या के अच्छे निष्णात पारंगत हैं तो हम लोग कितना कुछ दे सकते हैं, जन सुरक्षा कर सकते हैं, जनता की हिफाजत कर सकते हैं, जनता को बचा सकते हैं। मुझे अपनी यही बातें कुछ कहनी थी। मैं आह्वान करता हूं आप सबका वास्तु विद्या के अध्ययन के लिए, अवगाहन के लिए, ज्ञान है। मैं महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले गई थी, जब भी कभी विदेशों में इस विद्या के प्रति विश्वास किया जाएगा तो मुझे लगेगा हमारा प्रयास सफल होगा। बहुत उम्मीद के साथ, आशा के साथ, आकांक्षा के साथ देखते हैं तो हमें लगता है ये विद्या भरोसे की विद्या है। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद सर, जय गुरुदेव। ऐसा लगता है कि आपको सुनते ही रहे। हम जब महाबलेश्वर गए थे और तब सवेरे 4 बजे से लेके रात को 11 बजे तक आप बोलते थे, तो इतना अच्छा लगता है कि आपको सुनते ही रहे। धन्यवाद, आप आए और समय दिया और वास्तु का ज्ञान शेयर किया, और आपने जो किताब लिख के ट्रांसलेशन करके वो जो ज्ञान है जो हाथों से नहीं उठा सकते उसको इतना हल्का कर दिया। ऐसे कितने सारे किताब हम दिमाग में रख सकते हैं, तो वो भी काम आगे कर लीजिए। और कामिकागम के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारी सब टीम आपके साथ है। आगे कुछ भी काम है, कुछ भी जिम्मेदारी है, आप बताइए,
हम सब टीम आपके साथ है और शेयर करके काम करेंगे। कामिका आगम का ट्रांसलेशन ऑलरेडी चालू कर दिया है और भी कुछ लोग टीम में जुड़ेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जी, कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं सर, आपका नेटवर्क बहुत वीक है लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या होगा। कोणाला जर प्रश्न विचारायचे असतील सरांना तर तुम्ही विचारू शकता, एकेकाने अनम्यूट करा आणि विचारा। सर मला एक प्रश्न आहे, हा हिंदी में पूछे, सरांशी वास्तू संदर्भात चर्चा करता येऊ शकते का, अजून काही डिटेल मध्ये किंवा सरांचे ग्रंथ मिळतील का? ग्रंथ आहेत ना सरांचे भरपूर, 100 ग्रंथ आहेत आपल्याजवळ आहेत ते सगळे, तर आणि कुठून मिळतात ते पब्लिकेशनचे ऍड्रेस फोन नंबर वगैरे मी तुम्हाला देतो, डिस्काउंट मध्ये सुद्धा मिळतात, तर ते तुम्ही घेऊ शकता। आणि अजून काही चर्चा करायची असेल, सरांचे कोर्सेस होतात इथं आपल्याकडे, तर जब भी आते कुछ कोर्स रखते है तो हम लोग आपको बताएंगे, आप ग्रुप से जुड़े रहिए। अभी आपको अगर कुछ सर से पूछना है तो हिंदी में आप पूछ सकते हैं। सर मला प्रश्न, हाँ हिंदी मध्ये, सर विष्णु धर्मोत्तर पुराण किधर कब मिलेगा और किधर मिलेगा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण छप चुका है, चौखंबा से निकला है। अच्छा, चौखंबा संस्कृत सीरीज में हम लोगों ने तैयार करवाया पूरा। हाँ सर, भूमिका भी हमारी है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण तीनों ही खंड चुका है, 5 हो चुके हैं इसको। तो प्लीज आप ये क्या कि उसका एड्रेस और ये सब देता हूँ, कृपया कर मैं भेज देता हूँ। हाँ मिल जाएगा, उम्रगढ़ जी मिल जाएगा, चौखंबा का एड्रेस दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। मानसोल्लास से 5 पॉइंट आ चुके हैं क्या? मानसोल्लास के दो पार्ट, मानसोल्लास के दो पार्ट अटक गए हैं कोरोना की वजह से, बाकी मानसोल्लास के 3 पार्ट छप चुके हैं, कोरोना शुरू होने से पहले ही छप चुके थे 3 पार्ट, पहला दूसरा और तीसरा, ये पंचविंशति है, उनमें से 3 विंशति छप चुके हैं बहुत सुंदर अनुवाद के साथ और इतनी मेहनत के साथ कि आपको बहुत आनंद आएगा। सोमेश्वर राजा का 1027 से लेके 29 तक लिखा हुआ ये ग्रंथ, जिसमें वास्तु भी है, जिसमें मनोरंजन के साधन भी हैं। कितनी सुंदर बात कर दी आपने, पहले तो राज्य लिया जाए और उसके बाद उस राज्य का उपयोग कैसे किया जाए, तो सोमेश्वर ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, बड़ा अच्छा सा अनुवाद इसका, भगवान ने हमें श्रेय दिया कुल मिला के, लेकिन अच्छा ग्रंथ हो गया जी सर। और सुखानंद वास्तु भी आ चुकी है, ये भी चौखंबा ने छापा है, सुखानंद वास्तु आ गया है, आप लीजिए। ठीक है ना सर जी, धन्यवाद, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा सर। नहीं, लास्ट टाइम मैंने किया तो उनको फोन जब प्रिंट होने का बाकी था सर, कोरोना ने बहुत सारी चीजें पीछे डाली है जी। सुखानंद वास्तु के बारे में थोड़ा बताइए ना सर। सुखानंद वास्तु ये जो ग्रंथ है, ये इसकी अभी तक हस्तलिखित पांडुलिपि ही थी और ये ग्रंथ जो है अभी तक उपलब्ध नहीं था। मैं इस बात को याद करता हूं कि जो नए नए ग्रंथ हम लोगों को पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध थे, पहले तो कोई शिल्पकार तो हमें देता नहीं था, लेकिन जहां जहां से भी जो जो ग्रंथ हम लोगों को मिले उनमें से महत्वपूर्ण ग्रंथ ये था सुखानंद वास्तु। ये सुखानंद जी द्विज द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है और इसमें 6 चैप्टर हैं, इसमें 6 चैप्टर हैं, जिनमें से पहला चैप्टर जो है वो वही अपना भूमि परीक्षा वगैरह, और दूसरा जो है वो वास्तु पुरुष का जो आख्यान है उसका, तीसरा जो है उसमें क्षेत्रफल निकालने की विधियां हैं, चौथा दुर्ग बनाने के लिए, सह्याद्री में जितने दुर्ग महाराज जी के टाइम में, शिवाजी महाराज जी के टाइम में बने, उनका जो एक वास्तु समझने के लिए हम लोगों जो अपने कोशिश करते हैं, वो चौथा चैप्टर, पांचवा गृह प्रवेश से संबंधित और दूसरे वहां जो जो भी शालाएं बनानी है उनका है, और जो 6वां चैप्टर है वो राजमंडप और अश्वशाला गजशाला ये जो भी अपने पास बनते हैं उनसे संबंधित है। ये ग्रंथ इस रूप में था, आप देखिएगा,
और अब इस रूप में है। मानसोल्लास सर मुझे क्वेरी है जी सर शाला है मतलब स्कूल स्कूल से रिलेटेड कौन सा वास्तु ग्रंथ यूटिलाइज करना चाहिए अगर हमें स्कूल के बारे में कुछ काम करना है किसी स्कूल के लिए स्कूल डिजाइन करना है आपको हाँ जी डिजाइन करना है या जो प्रीवियस है उसमें सुधार करना है तो कौन सा ग्रंथ उसके लिए उपयुक्त तो होगा एक मिनट सर सर आएंगे सर म्यूट जाले सर आप म्यूट है अनम्यूट कर लीजिए ना आ गया जी ये वास्तु का ये सब्जेक्ट है आप उसी में देख लीजिएगा इसको राजवल्लभ ले सकते हैं सुखानंद ले सकते हैं राजमार्तंड भी है ये नहीं शालाएं कितनी होनी चाहिए एक शाला द्विशाला चतुशाला नहीं नहीं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वापस बढ़ाना भी तो है बना सकते हैं स्कूल बनाना है तो आप कितने भी शाला बना सकते हैं चतुशाला भी बना सकते हैं हाँ हाँ विस्तार की संभावनाओं को सामने रख के काम करना है ये okay. अपने को विस्तार की संभावना है कभी भी जी सर आपके पास जो ग्रंथ है जो आपने आपकी वजह से हम तक पहुंचेंगे अभी या पूरे समाज तक पहुंचेंगे तो उनके जो मेन सेट ऑफ ग्रंथ है वो आपसे मिल सकते हैं ऑब्वियसली 100 तो अभी पढ़ नहीं पाएंगे बट कुछ जो खास है वो कौन से सजेस्ट करेंगे आप जो लेने चाहिए नहीं, ये निज कवित्व मैं समझ रहा हूँ निज कवित्व को ला गई फीका भाई कवि को कौन सी कविता अच्छी और कमजोर लगती है सब अच्छी लगती है तो हमारे लिए तो उद्देश्य था हम लोगों को तो उद्देश्य यही था कि सब ग्रंथ सामने आ जाएं आपने तो ग्रंथों की बात की हमें आप सब लोगों से यह आग्रह मिलता है आप हमें केवल टिप्स दे दीजिए वास्तु तो हम जान गए हैं केवल निवारण के उपाय दे दीजिए आप तो आप देखिए फिर वास्तु कौन पढ़ेगा हम लोगों ने ये विकल्प तैयार किया है इतने सारे ग्रंथ आप इस बात पर फक्र होना चाहिए कि हमारे घर में घर से संबंधित ग्रंथ तो हो 100 ग्रंथ नहीं लें लेकिन जो मूल ग्रंथ हैं कुछ आप इकट्ठे करते चले आप तो एक ग्रंथ ले लीजिए अपने आप 100 ग्रंथ आ जाएंगे हमने कुछ ऐसी तरकीब कर रखी है हर ग्रंथ में आपको ऐसी प्यास बन जाएगी कि हम ले लें जिन लोगों ने हमारी भूमिकाएं पढ़ी है वो पढ़ते ही उनको लगता है एक नशा है उन जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर थैंक यू सर प्रणाम नमस्कार सर नमस्कार मेरी आवाज आ रही है सर आ रही है हाँ सर बहुत अच्छा विवरण किया है मन कर रहा है अभी सारे ग्रंथ ले लूं और अभी सब पढ़ना शुरू कर दूं बहुत अच्छा लगा सर आपका मार्गदर्शन मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है सर कि अगर हमको कोई शंका है तो हम आपके साथ फोन पे बात कर सकते हैं क्या और वो टाइमिंग प्लीज हमको बता दीजिए उमरीकर जी से कर सकते हैं अच्छा अच्छा आपसे कोई फर्क नहीं है अच्छा, वो वही कर रहे हैं जो मैं करूंगा लेकिन मेरा नंबर आप ले सकते हैं कभी कोई बात हो उनके पास सारे नंबर है और आप मुझे क्योंकि ये बड़ी एक आप अन्यथा ना लें लेकिन ये एक समस्या है कि दिन अटेंड कर सकता है आप देखिएगा कभी कि ये हमारे सामने एक संकट है मुझे अपनी नौकरी भी करनी है मुझे अपना गृहस्थ धर्म में बना है और सवालों के जवाब भी देना लेकिन मैं दूंगा जब भी आपको अच्छा लगे तब आप सवाल कर सकते हैं जी ओके सर थैंक यू सर और किसी को पूछना है कुछ सर मेरा सर मेरा एक प्रश्न है सर से सर ने उसका जवाब भी दिया था बोलते हुए चित्र से संबंधित सर ने एक ग्रंथ बताया था उसका एक बार सर नाम दोबारा उच्चारण कर देंगे कि क्या है देखिए आप चित्र से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं जी सर सम्रांगण में
मेरे ख्याल से 7 या 9 अध्याय चित्र से संबंधित है समरांगण में, सेकंड पार्ट में है ना, चित्रकर्म विधान पूरा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्रम है, ये अभी अभी चौखंबा ने छापी है चित्र सूत्रम, और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 9 अध्याय है और एक एक शब्द पारिभाषिक है, पहली बार इन पारिभाषिक शब्दों का विश्लेषण करके ये काम किया। एक और इसका मूल ग्रंथ है, उसका नाम है चित्र लक्षणम, वो नग्नजीत का लिखा हुआ है, नग्नजीत का, और विश्वकर्मी ग्रंथ है, और नग्नजीत राजा का, और इसमें जो संवाद है उसमें मात्र 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में चित्रकला की अधिकांश बातें आ जाती है। और इन ग्रंथों में एक खास बात यह है कि चित्र का वास्तविक मतलब रेखांकन नहीं है, मूर्ति को भी चित्र कहते हैं, और मूर्तियां जो बनाते हैं वो भी सबसे पहले तो चित्र बना के ही बनाते हैं, तो उसका नाम चित्र कहा है। जो भी विचित्र लगे चित्र में, तो आप देखिए मंजुश्री चित्र शास्त्रम, सारस्वत चित्र शास्त्रम, ब्राह्मी चित्र शास्त्रम, इन नामों से भी ग्रंथ भारत में मिलते हैं, और इनमें जो भी विषय हैं वो सारे के सारे विषय सकलाधिकार में आ जाते हैं। सकलाधिकार यानी अगस्त मुनि का लिखा हुआ सकल, मैंने मूर्ति होता है कल, और जिसमें स लगा दिया सकल, समस्त, जिसमें कला हो, जिसमें सारी कलाएं हो, चंद्रमा की 16 कलाएं, ये जो सकल सकलागम है, एक तरह से वो आगम है, तो सकलाधिकार यानी मूर्तियों से संबंधित अधिकार जिसमें हो, अगस्त मुनि का लिखा हुआ, उसी से सब ग्रंथ आगे बढ़े हैं। मैं भी अगस्त का ऋणी है जी। हेलो जी सर, कला निधि ग्रंथ कहाँ मिलेगा? कला निधि परिमल ने छापा है हमारा, कला निधि गोविंद का लिखा हुआ ग्रंथ है। हाँ, और इसमें मंदिर के शिखर टेम्पल वास्तु, हाँ, मंदिर के शिखर से लेकर ध्वजा तक जितने अंग आ जाते हैं उन सब का वर्णन। और आप यदि कला निधि न ले पाए तो कला निधि का अधिकांश वर्णन अपराजित प्रच्छा में मिल जाता है, गोविंद ने हाँ उन्हीं में से अध्याय लिए, हालांकि हमने उसको अलग से तैयार करने में उसमें जितनी और चीजें चाहिए वो भी डाली है, कि उसमें मंदिर की प्रतिष्ठा से संबंधित, शिखर की प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण से संबंधित जितने मंत्र जो उस मूल ग्रंथ में नहीं थे वो भी हमने इसमें छापे हैं। एक ये कौन पूछ रहा है, दीपारणव, दीपारणव को लेके कई सारी जिज्ञासाएं हैं। ये अभी जो मैंने कलानिधि के लिए कहा, हाँ अभी जो मैंने आपसे कहा, ये दोनों ही ग्रंथ कोई अलग नहीं है, ये भी अपराजित प्रच्छा में से ही निकाले हुए अंश है, लोगों ने अपना नाम दे दिया। दीपारणव उस सूत्रधार मंडन के पिता का ग्रंथ है, ज्ञान प्रकाश दीपारणव या विश्वकर्मीय ज्ञान प्रकाश दीपारणव, इसमें अधिकांश अध्याय अपराजित प्रच्छा का है, नियम भी वही है। यदि आपने अपराजित ले लिया तो मतलब जिसको कहते हैं हाथी के पांव में सारे पांव आ जाते हैं, हाथी के पांव में सारे पांव आ जाते हैं, तो ये सब ग्रंथ, ये दो ही मूल ग्रंथ हैं जिनके सहारे पूरे देश में वास्तु विद्या का सबसे अधिक विकास हुआ है, साउथ में कानिकागम और उत्तर में समरांगण और अपराजित प्रच्छा। सर अपराजित प्रच्छा आपने कौन से पब्लिकेशन में मिल जाएगा सर? चौखंबा, ये सारे चौखंबा नहीं, अपराजित प्रच्छा परिमल ने छापा, परिमल दो पार्ट में है, लगभग इसमें 1860 पेज होने चाहिए। कितने पेज सर? और समरांगण में 2000 पेज, 1860 लगभग 2000 मान लीजिए। हाँ ओके सर, बड़ा ग्रंथ है जी। परिमल परिमल की सेवाएं हम सब लोगों के लिए उल्लेखनीय है, कि उन्होंने हम लोगों की जहां जहां से भी जो जो ग्रंथ निकले हैं वो उन्होंने एक ही जगह उपलब्ध करवाने का सोचा, वैसा ही एक संकल्प चौखंबा संस्कृत सीरीज का है, उन्होंने भी अपने सारे ग्रंथ एक ही जगह मंगवा के, क्योंकि ये कला के ग्रंथ मिलते ही नहीं है, और कला के ग्रंथ दूसरा कोई किसी को देता भी नहीं, यदि किसी बड़े भाई के पास है तो वो छोटे भाई को नहीं दिखाएगा, तब इन प्रकाशकों को हमें याद रखना चाहिए कि ये वो ग्रंथ आपको दे रहे। इतना कठिन काम था ये, तो उमरिकर जी और
कई मित्र, ये उदय भी, उदय कुलकर्णी और भी कई मित्र हमारे साथ है, बड़ौदा से आदरणीय वाडेकर जी, भंडारकर ओरिएंटल में नंद जी बापट, जिनकी रुचि थी कि ये ग्रंथ सामने आ जाए, तो आप देखिए निकाल निकाल के उन्होंने पांडुलिपियां उपलब्ध करवाई, तो ये ग्रंथ सब आज आसान हो गए, केवल ये कहने से काम मिल जाएंगे, बाकी कहाँ मिलते थे, आप पूछते ही रह जाओ, ढूंढते रह जाए, बहुत कठिन काम था। जी सर, एक आपसे निवेदन है सर। जी सर, मैं डॉक्टर रवि बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। पहली बात तो सर आपसे आज रूबरू होके जीवन धन्य हो गया ऐसा लग रहा है, इतनी पूरी वास्तु की हिस्ट्री आपने बताई है, इतनी सारी चीज़ का बताया, बहुत अच्छा लग रहा था। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, जिस तरह से आपने बताया कि ये ज्ञान सर्वो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है, सर क्या तरीका है जिससे कि इस ज्ञान को देश, हमारे देश को मजबूत, बेहतर और प्रॉस्परस, एक समृद्ध बनाने के लिए हम इसको यूज कर सकें, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? ये प्रयोग शुरू हो चुका है रवि जी, ये प्रयोग शुरू हो चुका है, ये सपना हम लोग देख चुके थे महाबलेश्वर में। महाबलेश्वर में हम गिनती के लोग, वैभव, उमरीकर जी, उदय और दो मित्र दूसरे, आप देखिए वहां हमने सपना देखा कि हमें देश को समृद्धि देनी है, लोगों को सुखद वास्तु देना है, तब एक संकल्प किया और आज मेरे ख्याल से 10,000 लोग वास्तु के प्रचारक हैं इस देश में, तब हमारे पास केवल 6-7 लोग। आप देखिए ये जो हम लोग इस ज्ञान की ज्योति को अमेरिका ले गए, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया, और लहरों को खामोश देखकर ये न समझिए कि समंदर में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है, लेकिन हमने ठान लिए, सारे ग्रंथ दे दिए लोगों को, लोगों के हाथ में सौंप दिए हमने इन ग्रंथों से, पूरा देश जानता है, सब मित्र जानते हैं, इससे मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन उस प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक लाभ हुआ है जिन्होंने इस विद्या को अपनाया और लोगों के घर सुधारने, लोगों के घर बनाने, लोगों का विश्वास जीता है हमने, हमारा मकान का नक्शा अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र होना चाहिए। ये जो आज की तारीख में हम लोग कान से सुनते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। सच बात है सर। सर प्रणाम सर। बिल्कुल सर। जुगनू जी प्रणाम सर। नमस्कार करता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। जी जी बोलिए। हाँ सर प्रणाम सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर आपसे, आपका व्याख्यान सुनकर सर बहुत बढ़िया अनुभव रहा सर हमारे लिए, बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई सर। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि गुजराती भाषा में सर बहुत सारे ग्रंथ जो है हिंदी भाषी लोगों को सर उपलब्ध नहीं है सर, उसके लिए कुछ प्रयास करते सर आप, जिसमें से विश्वकर्मा कही है कई ग्रंथ। जी हाँ सर। जी सर, मैंने अभी ये बात कही है कि गुजराती में जो ग्रंथ निकले हैं उसमें ब्रज शिल्प शास्त्र, जिनमें शिल्प रत्नाकर, जिनमें दीपारणव, जिनमें क्षीरारणव, और मेरे ख्याल से आगे कोई ग्रंथ नहीं है, ये 5-6 ग्रंथ हैं, और ये सभी ग्रंथ के जो नियम हैं वो अपराजित प्रच्छा और सम्रांगण सुधार में आ जाते हैं। मैंने वहीं से पढ़ना शुरू किया था जब मैंने ज्ञान प्रकाश शुरुआत की थी, दीपारणव की रचना मेवाड़ में हुई, आपको याद होना चाहिए, और ये सूत्रधार मंडन के जो पिता थे क्षेत्रार्क, ये उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में नवीन अध्याय उत्तरार्ध में है, जहाँ जैन मंदिरों का सिलसिला है, बाकी जो पूर्व विषय हैं वो सब अपराजित प्रच्छक है, लगभग नियम भी वही है, आयदि से लेके सारे नियम वही, और ज्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं है, क्योंकि प्रभा शंकर जी ओगड़ भाई सोमपुरा को काम करना था और उनको चित्रों से सज्जित करना था, तो इसमें चित्र बहुत ज्यादा लगा दिए, बाकी ग्रंथ तो बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा ग्रंथ, मंदिरों का वर्णन ज्यादा है, अपना मकान का जो है वो बहुत ही कम है, वो उन शिल्पियों के लिए आवश्यक है जो मंदिर बनाते हैं, लेकिन अब आप देखिए वैसे मंदिर कौन बना रहा है,
आजकल मंदिर भी ठेके पर होते हैं, तो हम वैसे जो मंदिरों के विधान थे जिनमें वो शिल्पकार स्वयं विश्वकर्मा होके आता है, वो इन ग्रंथों में वो केवल परंपरा के रूप में जी। तो अपन कोशिश करेंगे यदि आपका मन लगे, आप गुजरात से, ये बात मैं पहले कह चुका हूं, कई बार मैंने कही है, जब जब भी किसी ग्रंथ का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद हुआ है देश को उसका लाभ नहीं मिला। मुझे लोगों ने अंग्रेजी में अपने ग्रंथ तैयार करने के लिए कहा, यदि मैं करता तो शायद मेरा भारत वंचित रह जाता। मुझे लगा कि सबसे पहले हिंदी में करने चाहिए ताकि देश का बहुसंख्यक, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, लोगों के हाथ तक ये ग्रंथ पहुंचे। आपको ये भी और मुझे इस बात के लिए गुमान भी है, फक्र भी है, जो ग्रंथ हिंदी में किए हमारे पास जयवंत जी थे, जिन्होंने उन ग्रंथों का वापस मराठी में भी ट्रांसलेशन किया, अपराजित का उन्होंने किया, मैं मतम का उन्होंने किया, विश्वकर्मा प्रकाश का उन्होंने किया, और भी ग्रंथ उन लोगों ने तैयार किया। आप देखिए अभी एक ग्रंथ विश्वकर्मा प्रकाश जो हिंदी में है लेकिन उसका बहुत सुंदर अनुवाद श्रीधर जी ने तैयार किया, परिमल ने पिछले दिनों छापा है, पिछले दिनों क्या बल्कि इसी हफ्ते छापा है, और संस्कृत दिवस यानी राखी पर 8 दिन पहले ही उसको जनता के हित में लोकार्पित किया, विश्वकर्मा प्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद श्रीधर जी का किया हुआ अभी छपा है। एक और ग्रंथ वहां से निकला है अभी, बृहद विमान शास्त्र, ये जो महर्षि भारद्वाज का था, इसका अंग्रेजी अनुवाद बिस्ट ने किया और मैंने उसको री एडिट करके जो जनता को हित में समर्पित किया संस्कृत दिवस पर। ये 2 ग्रंथ अभी हमारे पास और आए हैं जी। हम लोग कोशिश करेंगे गुजराती के जितने भी ग्रंथ हैं आप उपलब्ध करवा सकें, ये मूलतः गुजराती के नहीं है, संस्कृत के ग्रंथ, गुजराती में उनका अनुवाद हुआ है, लेकिन यदि हम संस्कृत के अभ्यासी हो जाएं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं जी। सर आज आपके लिए, आपका सुनने के लिए मगरवाल जी भी है मीटिंग में हाजिर है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो भी सुन रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका आशीष हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। अविनाश, अविनाश अनम्यूट करना थोड़ा, अभिजीत अभिजीत अविनाश आएगा कोनी सर, मला मी आज टाकले का लिंक तुम्ही। नमस्कार। नमस्ते सर, कितने दिन हो गए हैं? अभी एक आज मुझे लिंक मिले आपके सर, नमस्ते। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, स्वस्थ रहे। अभी आप सामने, आपका कार्य ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, आपके आशीर्वाद हो, उर्मिकर सर भी है साथ, बना रहे बना रहे जी। शायद आज मुझे अच्छा लगा, साथ में नहीं है, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत सारे सवाल जी, जी का जी। निराकरण भी हुआ है और आपका ये, थैंक यू। हाँ, जो जो नए किताब आते हैं सर इन्फॉर्म करते कर दीजिए, करते रहिए, करते रहिए। वैसे परिमल जी मगिरवार सर बोलता है, अभिजीत अविनाश अनम्यूट। मगिरवार साहब को प्रणाम करता हूँ, आपका कहानी का गम वाला काम बाकी है। अभी तू बोल थोड़ा सा, मुझे स्पीकर मत ये ली। तू बोलत रहा। Yes. आपका पूरा, आपने जितना जितनी बात की सर ने बहुत ध्यान से सुनी है, और सर कह रहे थे कि ये जो बातें केवल जुगनू जी ही कर सकते हैं, और आपकी काफी तारीफ कर रहे थे जब वो सुन रहे थे, शुरू से आपको सुना उन्होंने, और वो कह रहे थे कि ये जो ज्ञान आशीर्वाद है उनका, ये केवल अभी जो भारत वर्ष में जो प्रभावित हो रही है ये केवल जुगनू जी के कारण हो रही है। करेक्ट। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका आशीर्वाद बना रहे हम पर हमेशा। बोला जी, वीकनेस बहुत है,
जी हाँ। पर आपको मैं ये भिजवा रहा हूँ सुखानंद वास्तु, आपने ही मुझे दी। मैंने भूमिका में इस बात का जिक्र किया है कि आपकी वजह से ये ग्रंथ हमें मिला और ये अनुवाद करके आपको सुपुर्द कर रहे हैं। अभी आई है ये इसी हफ्ते, तो आपको मैं भिजवा रहा हूँ। और कामे का गम के पीछे हम लोग लगे हुए हैं कि ये जल्दी ही आपके हाथ में सुपुर्द करें। मैं कोशिश करूंगा इसी वर्ष आए। सुखानंद वास्तु जी सर ने मगिरार सर ने सर को दिए थी, और वो सुखानंद वास्तु के जो सुखानंद स्वामी जी है वो औरंगाबाद के पास पैठन शहर के नजदीक में रहते हैं, उनका गांव है वहां पर जी। और छोटा सा किताब है जी। और तो ये बहुत अच्छा रहा हम लोगों के लिए। तो मैं तो औरंगाबाद से हूँ, टापर गांव भी बहुत, हम एलोरा जब जाते आते हैं तो रास्ते में लगता है जी जी जी। वहां पर अभी एक विश्वकर्मा जी का बड़ा टेम्पल बना है। अभी ये सब कोरोना सेटल होने के बाद हम लोग जाएंगे एलोरा, विश्वकर्मा जी का टेम्पल, और टापर गांव भी जाके आएंगे, और सुखानंद वास्तु के उनके गांव में भी जाके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, मैं तो तैयार हूँ। आप कहीं भी ले जाए पूरा देश अपना, विदेश भी घूम के आ गए। तो सब लोग बहुत बहुत नहीं जा सकते इन दिनों, थोड़ा हालत लेकिन ठीक हो जाएगी। 5 मई 2022 5 मई 2022 तक हमें सावधान रहना है, और कैसे भी करके हमें ये समय निकालना, निकल जाएगा। बहुत सारा गया, अरे बहुत गया और थोड़ा रह गया, निकल जाएगा। जय जय नमस्कार नमस्कार। सर आता अपन आज इथे थांबूया, तर अपन धोन सरांना अपन देऊया चांस। सर धोन सर आहेत आपल्याकडे, हां आहेत। धोन सर नमस्कार, सर अनम्यूट करा ना। हाँ अनम्यूट करा थोड़ा, मी फोन केला होता आता त्यांना। हाँ सर सर हाँ हाँ यस सर नमस्कार सर, तुमचं स्वागत। नाही तुमचा आवाज येत नाहीये, अनम्यूट झालंय पण आवाज येत नाही। अनम्यूट झालेलं आहे पण ती पिन बघा। सर याचा काय ग्रुप तयार केलाय का तुम्ही? हो गाडी केली म्हणा केला ना। लाईट होते आवाज येत नाहीये। हा जॉईन आहेत खरं ते, हा नाही त्यांना वन वेज झालंय, ऐकायला येत बहुतेक पण त्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत येत नाही, कारण सगळे गुरुवर्य मंचावर आहेत खरं। इंगळे सर आहेत? आहेत। सर तुम्ही बोला थोडस। इंगळे सर, इंगळे सर अनम्यूट आहे सरांचाही। नमस्कार एक जुगनू सरांना सगळ्यांना नमस्कार आहे। मुख्य म्हणजे जे ग्रंथ माझ्याकडनं ट्रान्सलेट झाले, मराठीकरण झालं, त्याचं सगळं श्रेय जुगनू सरांना जात, क्योंकि जरूर सर के बुक्स अवेलेबल थे करके हमको जम गया हो गया। यस 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 महिमतम ग्रंथ आणि वासुजागर हे मला सरणी मगिरवान सरणी लिहायला सांगितल्यामुळे ते झालं, म्हणून सगळ्यांना मी आज प्रणाम करतोय। आणि आजचे कार्यक्रम सुंदर झाला खरं, म्हणजे मी केव्हाही झूम वरती आलो नव्हतं, आताच प्रथमच आलोय खरं मी, प्रथम रोज यायचं तेव्हा मगाशी माझ्याशी नंबर नव्हता, माधुरीजीला मी फोन केला आणि त्यांच्याकडे मला पूर्ण लिंक मिळाली। धन्यवाद, हरिओम, अतिशय सुंदर
कारण वास्तुशास्त्रातले सर्व गुरुवर आज आपल्या मंचावर आपल्याला भेटलेले आहेत आणि अतिशय सुंदर हे व्याख्यान आजच्या दिवसाचं पार पडलेलं आहे. तर आजच्या सुंदर दिवसाची शेवट आपण पसायदाना निघतोय. पसायदाना कोण म्हणणार आहे? राजी मॅडम. हो हो झालंय. दोन शब्द सांगू इच्छिते. आज का दिन सच में हम सब विद्यार्थी वर्ग के लिए सौभाग्यशाली दिन है. पंचरत्न की तौर पर आज हमें मग्गीरवार सर, जुगनू सर, ढोंड सर, इंगड़े सर और नरेन उमरीकर जी सर, इन सबका ज्ञान अमृत पीने को मिला. और आज आज का दिन भी देखिए बृहस्पतिवार गुरु का दिन. और श्री कृष्ण जुगनू सर जबकि अभी जन्माष्टमी हुई है, इनके अमृतवाणी से हमको नॉलेज सुनने को मिला, उसलिए सबका धन्यवाद. पसायदान से आज के सत्र का ये करते हैं समापन. आता भीष्मात्मके देवे एने वाग्यज्ञे तोषावे दोषोनी मज द्यावे पसायदान हे जे खळांची संकटी सांडतो कया सत्कर्मी प्रती वाढो भूतान परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पाहो जो जे वांछिल तो ते लाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंडळी ईश्वर निष्ठांची मांडी आळी अनवर्त भूमंडळी भेट तू भूता चला कल्पतरूचे आरव चेतना चिंता मनीचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिनी लोकी भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आने ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकी थे दृष्टा दृष्ट विजये हो आवे जी एथ मने श्री विश्वेश्वराओ हा हो इद दान पसाओ एने वरे ज्ञान देओ सुखिया जाला. आज के एक स्पीकर अपने रह गए शैलेश नंदनवार. ये इनकी शुरुआत हम कल से करते हैं क्योंकि आज बहुत टाइम हुआ है 7 बजे. तो कल शुरुआत में ही शैलेश नंदनवार का व्याख्यान होगा. ठीक है ओके. तो हम आज रुकते हैं यहाँ पर. जय गुरुदेव.